सैयद मस्तान शाह तैफूक उर्स शरीफ के अवसर पर वाड़ी के युवाओं में लोकप्रिय संदल शरीफ वाड़ी के शाहू लेआउट से सोम वर्मा के घर से भव्य संदल जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस में वाड़ी के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। 27 मार्च को सुप्रसिद्ध कव्वालों ने रात में कव्वाली गाकर युवाओं का मनोरंजन किया। इस समय युवाओं ने कव्वाली कार्यक्रम को अच्छा प्रतिसाद दिया और 28 मार्च को संदल शरीफ का जुलूस निकाला गया और शहर के सभी युवाओं ने माहौल का आनंद भी लिया। संदल में घोड़े, बग्गी, लाइटिंग और कई अन्य चीजों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यह संदल शरीफ सोम वर्मा के घर से पिछले 22 साल से निकाला जाता है। साथ ही भव्य 800 किलो का महाप्रसाद का वितरण भी किया गया था। आयोजन सामाजिक संगठन सरकार ग्रुप तत्वाड़ी के प्रमुख सोम वर्मा चारू दत्त नरबरिया ने किया था। प्रमुख अतिथि के रूप में युवा सेना के कार्यकारिणी सदस्य हर्षल काकड़े, महाराष्ट्र युवा कांग्रेस सचिव अश्विन बैस, युवा सेना से विजय भैया मिश्रा, भाजपा पूर्व पार्षद दिनेश कोचे की उपस्थिति रही। मार्गदर्शक तुलसी सेठ, अभिषेक देवासी, मुश्ताक अहमद, अफसर भाई, अल्ताफ भाई, राजू गजबीये, दानिश कुरेशी, आशुतोष नरवरिया, आकाश पवार, सोनू खोबरागड़े, चेतन महाकालकर, लकी बनकोटी, निकेश भगवतकर, मनिंदर परमार, आकाश लोखंडे, चेतन ढोले, अखिल पोहनकर, मयूर डुले, ललित यदि, रिक्की मेहरा, लकी मेहरा, निखिल गोरे, नीलेश सिरासवर, राज सिंह, विशाल वाडेकर, अनिल फुलचेले, आकाश डोंगरे, शुभम बघेले, बादल सिंगारे, सोनू चढ़े आदि संदल में उपस्थित थे। सरकार ग्रुप सामाजिक ग्रुप है, इस माध्यम से यहाँ पे 22 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये सरकार ग्रुप के आयोजक है सोम वर्मा, चारू नरबरिया, निकेश भागवतकर, अभिषेक बहु देवासे है और सभी जितने भी आयोजक है, सभी आयोजक मिलकर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और मैं इस कार्यक्रम को जो कार्यक्रम ये करते हैं उसके लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ और आगे इसी तरह कार्यक्रम चलते रहे। युवाओं में संदेश जाता है कि हर धर्म सर्वधर्म संभव की जो नीति से आज सरकार ग्रुप काम करता है, ऐसे काम वाड़ी में चलते रहे, इसका मैसेज बहुत अच्छा जाता है। सरकार ग्रुप सामाजिक संगठन इनके ओर से 28 मार्च को हर साल संदल निकाला जाता है और 27 तारीख को चादर भी बिठाई जाती है, कव्वाली का भी प्रोग्राम होता है और वाड़ी क्षेत्र में यकीन मानिए एक बहुत ही गौरव का ये क्षण होता है। सभी धर्मों के, सभी जात के और सभी प्रकार के लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं और बड़े धूमधाम से संदल निकाला जाता है और ये शाहू लेआउट सोमजी वर्मा, चारूजी नरबरिया इनके घर से निकलकर वाड़ी नाका में मस्तान शाह बाबा की जो दरबार है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे एक ख़त्म होता है। और आप जितने भी सरकार ग्रुप के लोग हैं और हमसे जितने भी जुड़े, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के माध्यम से इतना अच्छा प्रोग्राम यहां पे हम लोग कर पाते हैं और सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सरकार ग्रुप जो पिछले 22 साल से ये संदल का आयोजन कर रहे हैं, यहां से बाबा की चादर निकाली जाती है, यहां पे जो युवा वर्ग है वो इतना सहयोग देता है और इतना काम करता है कि यहाँ सभी समाज के और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे सहयोग देते हैं। यहाँ के जो प्रोपराइटर है सरकार ग्रुप के, सोम वर्मा जी, चारू भैया और ऐसे बहुत से हैं पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है जिनका मैं अभी नाम ले नहीं सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये जिस तरीके से पूरा संदल और अपनी चादर निकालते हैं, ये आज पूरे वाड़ी के अंदर वाड़ी के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि देखिए कि सभी समाज को लेके साथ में लेके हम लोग ये इतना अच्छा काम करते हैं और साथों साथ मैं सरकार ग्रुप को और यहाँ के सभी पदाधिकारियों को मेरी और मेरे पूरे लोगों के तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। वाड़ी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा जो ये निकलती है, यहाँ से शोभा यात्रा जो निकलती है इस चादर की, ये यहाँ से 10 नंबर नाके तक जाते हैं और 22 साल से ये सोम वर्मा, चारू और उनके सभी सरकार ग्रुप के मंडल ये रैली बहुत ही अच्छी तरीके से, शोभा यात्रा में हजारों से ज़्यादा लड़के लोग रहते हैं और ये सभी लड़कों को हम लोगों का यही संदेश रहता है कि युवक सभी एकता रहे और जो सरकार ग्रुप है वो सभी एक बनकर सभी चलते रहे आगे। इन्हीं के सभी सरकार ग्रुप को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि ऐसे ही वो हर साल कार्यक्रम करते रहे और हम सभी उनके साथ है। हमारे साथ ही हमारे विजय जी मिश्रा, अश्विन बैस, हर्षल भाऊ काकड़े, प्रकाश भाऊ,
प्रेम भाव, सभी लोग हमारे यहाँ के जितने भी बीजेपी रहो, कोई भी पार्टी रहो, कांग्रेस रहो, सभी पार्टी, सभी हम युति मिलाकर इन लोगों के साथ ये कार्यक्रम में आयोजित करते हैं। एनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।